आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ गेहूं के आटे से बना बहुत ही टेस्टी कुरकुरा सा नाश्ता की रेसिपी। इसमें आपको फ्रेंड्स समोसा, कचौड़ी और पकौड़ी तीनों का टेस्ट मिलेगा। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं आज का ये मज़ेदार सा नाश्ता रेसिपी। तो इस नाश्ते को बनाने के लिए फ्रेंड्स हम ले लेंगे यहाँ पे गेहूं का आटा, जिसे हम रोटियाँ बनाते हैं ना, तो नॉर्मल गेहूं का आटा लेना है। तो 1.5 कप हम यहाँ पे गेहूं का आटा ले लेंगे। अब इसमें ऐड करेंगे हम 1/2 कप सूजी, ताकि नाश्ता हमारा एकदम कुरकुरा बने, बहुत ही टेस्टी सा बने। टेस्ट अकॉर्डिंग थोड़ा सा मैंने यहाँ पे 1/4 टीस्पून डाल दिया है नमक, और इसमें ऐड करेंगे 3 चम्मच जितना ऑयल, वो आपकी चॉइस है। आप यहाँ पे रिफाइंड ऑयल, जो भी वेजिटेबल ऑयल यूज़ करते हैं तो यहाँ पे आप डाल सकते हैं, बस स्मेल वाला तेल ना हो। तो अच्छे से मोइन को मिक्स करने के बाद ये देखिए मुट्ठी सी बना के चेक कर लेंगे, मोइन एकदम परफेक्ट है क्योंकि टाइट मुट्ठी बनी है ना। तो चलिए इसमें हमें कुछ भी और ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, आप चाहे तो इसमें थोड़ी सी अजवाइन भी डाल सकते हैं। अब इसमें थोड़ा थोड़ा सा पानी डाल के इसका एकदम सेमी सॉफ्ट हमें डो बना के तैयार करना है, और जैसे ही आटा लग जाए ना तो इसको हम 10 मिनट के लिए रेस्ट के लिए छोड़ देंगे, किसी कॉटन के कपड़े से ढक के रख देंगे। तो चलिए फटाफट से आलू की स्टफिंग बना लेते हैं। एक कढ़ाई में डाला है हमने 2 चम्मच जितना ऑयल, और इसमें 2 मीडियम साइज की प्याज को चॉप करके हमने भून लिया है। यहाँ पर जब तक ये गुलाबी सीना हो जाए ना, तब तक हमें इसको भूनना है। आप लोगों से खास निवेदन है फ्रेंड्स की, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ फटाफट से अभी सब्सक्राइब कर लें। जैसे ही प्याज हल्की सी गुलाबी हो जाए तो इसमें फटाफट से उबले हुए आलू को डाल देंगे। तो अब इसमें ऐड करेंगे कुछ मसाले, लाल मिर्च पाउडर, थोड़ा सा चाट मसाला, हल्दी पाउडर, आमचूर पाउडर, टेस्ट अकॉर्डिंग नमक, थोड़ा सा भुना हुआ जीरा पाउडर, और ये देखिए हाथों से थोड़ा सा मैश करके मैंने डाल दी है इसमें कसूरी मेथी, इसे बहुत ही बढ़िया टेस्ट आएगा आलू की स्टफिंग में। और हमें इसको 1 से 2 मिनट तक मसाले को अच्छे से आलू के साथ भून लेना है, ताकि कोई भी मसाला कच्चा ना रहे। आलू की स्टफिंग हमारी बनके तैयार है। तो चलिए आटे को एक बार दोबारा से मसल मसल के सॉफ्ट कर लेते हैं। अगर आज की ये हमारी आसान सी रेसिपी फ्रेंड्स आपको थोड़ी भी अच्छी लगे तो हमारी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा अपने फैमिली और फ्रेंड्स को। तो चलिए हमने आटे को यहाँ पे मसल मसल के सॉफ्ट कर लिया है, तो अब इसे छोटी छोटी हम लोइयाँ तोड़ लेते हैं। जिस तरीके से हम रोटी की लोई तोड़ते हैं ना, उसे मैंने यहाँ पे थोड़ी सी बड़े साइज में ली है, और इसको बेलन से हम रोटी से भी थोड़ा बड़े साइज में इसको बेल लेंगे। और ये देखिए आटे की हमने यहाँ पे स्लरी बना के तैयार की है, 3 चम्मच गेहूं का आटा और 1 चम्मच ऑयल को इसके अंदर डाल के इसकी स्लरी बना ली है। इससे होगा ये कि नाश्ता हमारा बहुत ही कुरकुरा बनेगा। तो इस स्लरी को हम रोटी के ऊपर चारों साइड फैला लेंगे अच्छे से। अब ये देखिए फ्रेंड्स, हमने इसके दोनों साइड के कॉर्नर्स को पकड़ा है, और इसको हम फोल्ड करते जाएंगे। इस चीज़ को आपको बहुत ही ध्यान से देखना है, बस अच्छे से इसको फोल्ड करते जाएं और ऐसे सेट कर लें। पूरी रोटी को हमें ऐसे ही फोल्ड करना है। थोड़ी बहुत आड़ी टेढ़ी हो जाए तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, नाश्ता आपका बहुत ही बढ़िया बनेगा फ्रेंड्स। तो चलिए अब इसको ना हम थोड़ा सा बेलन से थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे चौड़ाई की शेप में। अब एक साइड से कोने को पकड़ेंगे और इसका हम रोल बना के तैयार कर लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, कुछ इस तरीके से। जितना भी आटा होगा ना, चाहे तो आप इस तरीके से सभी को एक बार में ही रोल बना के तैयार कर लें। बस ध्यान रखें कि कोई भी कॉटन का हल्का सा गीला कपड़ा इनके ऊपर रख दे, ताकि ऊपर से आटा ड्राई ना हो। अब ये देखिए फ्रेंड्स, हमने लिया है यहाँ पर एक धागा, जिसे हम सिलाई करते हैं ना, वही मैंने धागा लिया है। इसको हम बीच में इस तरीके से फोल्ड करने के बाद कट कर लेंगे। चाकू से कट करेंगे तो निशान से रह जाते हैं, लेकिन धागे से ना बहुत ही इजी हो जाता है ये कट करना। तो बस अब इसको आराम से हल्के हल्के हाथों से हमें बेल लेना है, ताकि जितनी भी ये इसकी लेयर्स है ना, ये बाद में खुल के उभर के आए ऊपर की साइड नाश्ते के ऊपर। तो बस हल्के हल्के हाथों से ही बेलना है, और बीच सेंटर में रख देंगे अपनी आलू की स्टफिंग, जो कि यहाँ पे अच्छे से ठंडी हो चुकी है। अब ये देखिए, जिस तरीके से हम कचौड़ी बनाते हैं ना, आलू की स्टफिंग वाली कचौड़ी, तो इस तरीके से हमें इसको फोल्ड करना है। किनारों पे चाहे तो आप अंदर की साइड में हल्का सा पानी भी लगा सकते हैं, और जो भी एक्स्ट्रा आटा होगा ना, इसको हम निकाल देंगे। और बस थोड़ा सा सेट कीजिए और लीजिए, हमारा ये नाश्ता बन के तैयार है फ्राई होने के लिए। जब आप इसको फ्राई करेंगे ना, एक एक लेयर्स उभर के ऊपर की साइड आ जाती हैं।
तो सेम सभी आटे से हम ऐसे ही अपना नाश्ते को बना के तैयार कर लेंगे। और फिर इसको हम मीडियम टू हाई फ्लेम पे, तेल को मैंने यहाँ पे देख सकते हैं गर्म रखा है, और इसको फ्राई कर लेंगे। अपने नाश्ते को जैसे ही हम फ्राई करने के लिए तेल के अंदर डाल दें तो तुरंत से फ्लेम को हमें एकदम लो कर देना है। और ये देखिए, चम्मच से हमें गरम गरम तेल को इस नाश्ते के ऊपर डालते जाना है। इससे होगा ये कि जो भी लेयर्स होंगी वे सारी खुल के अलग दिखाई देंगी, आपको एकदम नज़र आ जाएंगी बाहर की साइड। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको नज़र भी आ रही होंगी लेयर्स। तो दोनों साइड से अलट पलट के क्रिस्पी होने तक हम अपने नाश्ते को फ्राई कर लेंगे। तो हमने यहाँ पे इस नाश्ते को फ्राई कर लिया है फ्रेंड्स, एक बैच हमारा बनके तैयार है। तो सेकंड बैच को भी हम सेम इसी तरीके से फ्राई कर लेंगे, बस धीमी धीमी आंच पे ही हमें इसको बनाना है। अगर जल्दबाजी दिखाएंगे और फ्लेम को हाई कर देंगे और फटाफट से बनाएंगे ना, तो ये अंदर से कच्चा भी रह सकता है। तो चलिए, हमने सभी नाश्ते को यहाँ पे बना के तैयार कर लिया है फ्रेंड्स, और लीजिए बहुत ही गर्मा गर्म टेस्टी सा हमारा कुरकुरा सा नाश्ता बन के तैयार है। मैंने इस नाश्ते के साथ सर्व की है अमचूर की खट्टी मीठी चटनी। आप चाहें तो ग्रीन चटनी, टमाटो केचप या फिर चाय कॉफ़ी के साथ भी इस नाश्ते को सर्व कर सकते हैं। रेसिपी पसंद आई हो फ्रेंड्स तो हमारे इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।